मीट माय फ्रेंड, दिस इज मिस्टर स्कल, और इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे ये सारी बोन्स को। इसमें बोन्स को थोड़ा अलग अलग कलर दिया हुआ है ताकि आप इनको आराम से आइडेंटिफाई कर सको। एंड आई वांट यू गाइस टू ओनली फोकस ऑन द क्रेनियम। फेस के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्रेनियम के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि कैल्वेरिया के ऊपर ध्यान दीजिए, इस वाले पोर्शन में जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो सबसे पहले आपको बोन दिखाई दे रही है, दिस बिग येलो कलर की जो बोन आपको दिख रही है सामने, दिस इज द फ्रंटल बोन। मैं आपको उसको रोटेट कर दिखाता हूँ। देखिए ये बोन ऊपर से, पीछे से दूसरी बोन आ गई यहाँ पर, जस्ट द येलो वन। लुक एट दिस बोन इस साइड से भी, एंड लुक एट दिस फ्रॉम दिस साइड। तो दिस बोन हियर इज अ पैराइटल बोन, दिस बोन इज हियर इज अ फ्रंटल बोन, फ्रंट में अनपेयर्ड बोन। आई टोल्ड यू फ्रंटल आ गए, और पीछे कौन सी थी? पीछे ऑक्सीपिटल बोन। अगर मैं इस पूरे स्कल को टर्न कर दूं तो आप इसके पीछे एक बोन देखेंगे, जो वो भी अकेली बोन है, दैट इज अ ऑक्सीपिटल बोन, पीछे से ऑक्स भागा याद रखने के लिए। नाउ लेट मी टर्न द स्कल फॉर यू एंड लुक एट दिस पर्पल कलर बोन, जो आपको पर्पल कलर की बोन शो की हुई पीछे से। दिस बोन गाइस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल पीछे, एंड व्हाट बोन इज फ्रंट इन? दैट इज अ फ्रंटल बोन। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से दिखा दूं, आपके दोनों बोन आपको साथ में दिखाई देंगे। लुक एट दिस, अगर आप ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा, आपको आपको दोनों बोन दिखाई देंगे। यू कैन सी द फ्रंटल इज हियर, दिस इज फ्रंटल एंड दैट इज ऑक्सीपिटल। देन आई सेड जो बोन सबसे ऊपर रखी है टॉप पर यहां पर, पेराइटल बोन। ये सूचर्स हैं, ये सूचर हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के अंदर। ये जो आपको दोनों बोन यहाँ पे दिखाई दे रही है साइड में, दीज आर कॉल्ड एज पेराइटल बोन। और पेराइटल बोन से नीचे की सारा साइड में आता है, यहाँ कौन से बोन थी? यहाँ पर टेम्पोरल बोन्स थी। सो टेम्पोरल बोन्स विच आर फॉर्मिंग द टेम्पल रीजन, यहाँ पर जिसमें ईयर की ओपनिंग दिखेगी आपको। एंड लेट मी शो इट टू यू बाय टर्निंग द स्कल एंड लुक एट द ग्रीन कलर्ड बोन। सिर्फ ग्रीन कलर पे ध्यान देना और कुछ नहीं। लुक एट द ग्रीन कलर्ड बोन गाइस, दिस होल थिंग इज कॉल्ड द टेम्पोरल बोन। और ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, मैं आपको ओपनिंग के अंदर भी लिखा जा सकता हूँ, जो आपको अंदर ओपनिंग दिखाई दे रही है, दैट इज अ ओपनिंग फॉर द ईयर। सो दिस बोन हियर, दिस ग्रीन कलर्ड बोन इज कॉल्ड एज अ टेम्पोरल। इसके अलावा तो हमने कौन कौन सी बोन देख लिया? हमने फ्रंटल देख लिया, हमने ऑक्सीपिटल देख लिया, हमने दो पैराइटल देख लिया, हमने दो ऑक्सीपिटल बोन देख लिया, दो टेम्पोरल बोन देख लिया। अब बारी आती है स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। आई टोल्ड ये बोन्स को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। गाइस आई वांट टू फोकस एट दिस डार्क ब्लू कलर। अब ये जो वाला जहां पे मैं आपको एरो से शो कर रहा हूं, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, यूजुअली समबडी लाइक शूट हिमसेल्फ, अगर कोई अपने आप को ऐसे शूट करता तो यूजुअली इसी बोन पे शूट कर रहा होता। तो ये जो बोन आपको यहां पे दिखाई दे रही है इस जगह, देखिए दैट बोन इज अ स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन की शेप बटरफ्लाई जैसी है। अब ये मुझे कहीं से भी बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही, वो इसलिए नहीं लग रही बिकॉज मैं इसको गलत डायरेक्शन से देख रहा हूँ। अब आप कहोगे स्फीनॉइड बोन जो है ये पेयर्ड कैसे? स्फीनॉइड अगर इधर है तो इधर भी है, इजंट इट? अगर ये स्फेनॉइड बोन इधर है ऑब्वियसली स्फेनॉइड बोन स्कल के उस साइड में भी ये यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो स्फेनॉइड बोन। बट गाइज ये एक ही बोन है जो कि स्कल के नीचे से होती हुई आ रही है। अगर मैं आपको स्कल को टर्न करूँ तो देखो इसको, लुक एट द ब्लू कलर। ये जो आपको बोन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ ब्लू कलर में ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी बोन आपको दिख रही है दिस इज अ स्फेनॉइड बोन। अब ये शेप कुछ कुछ बटरफ्लाई जैसी लग रही है, जैसे बटरफ्लाई के बड़े बड़े विंग्स होते हैं साइड में, इट्स द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड दैट्स व्हाई द नेम इज स्फीनॉइड बोन, दिस इज अ स्फीनॉइड बोन। तो स्फीनॉइड कैसी पे होंगे? पेयर्ड और अनपेयर्ड? इट इज एन अनपेयर्ड बोन, एक ही बोन है, सेम बोन दोनों साइड आपको दिखाई दे। उसके बाद आते हैं हम लास्ट बोन पे, जो हमने कैलरी बोले थे, इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन को ऐसे देखना आसान नहीं है। इथमॉइड बोन आपको नेजल कैविटी के अंदर दिखेगी, आपको नोज के अंदर एक बोन दिखाई देगी, वो है आपकी इथमॉइड बोन। देखो लेट मैं आपको नेजल कैविटी के अंदर लेके जा रहा हूँ। नाउ लुक एट दैट, आपको व्हाइट कलर की बोन दिख रही है वहां पर वो, ये जो आपको व्हाइट कलर की बोन दिख रही है इसके दोनों साइड में प्रोजेक्शन दिख रही है ऐसे एक ही शेप में। ये जो बोन है इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इथमॉइड बोन इजीली नहीं दिखती है। इथमॉइड बोन नोज का भी पार्ट बना रहा है, इथमॉइड बोन ऑर्बिट का भी पार्ट बना रहा है। देखो अगर मैं इस ऑर्बिट को टर्न करूंगा तो आपको व्हाइट कलर की बोन साइड में दिखेगी, कैन यू सी दैट? लुक एट दैट, ये वही बोन है गाइस जो आपको यहां से दिख रही है, ये वाली सेम बोन यहाँ पर दिख रही है। इथमॉइड बोन जो आपकी नेजल कैविटी का पार्ट बना रही है और ऑर्बिट का पार्ट बना रही है, इथमॉइड बोन भी अनपेयर्ड है। ये एक ही इथमॉइड बोन है जिसके प्रोसेस दोनों साइड में निकले हुए, दोनों साइड में इथमॉइड बोन जा रही है, उसके प्रोसेस दोनों साइड में निकले हुए, तो ये भी अनपेयर्ड बोन से बना है। ये कंफ्यूजन होती है लोगों को, स्फीनॉइड बोन और इथमॉइड को पेयर्ड समझ के बैठ जाते हैं क्योंकि दोनों साइड में दिख रही होती है, नहीं ये अनपेयर्ड बोन है, ये एक सिंगल बोन दोनों साइड में, राइट? वेरी क्विक रिविजन, व्हाट व्हाट इज द बोन इन द फ्रंट गाइस? दैट इज द फ्रंटल बोन। इसको टर्न कर दो, व्हाट इज द बोन हियर? ये व्हाट बोन इज दैट? दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। अगर आप स्कल को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो ये कौन सी बोन होगी यहाँ पे? दैट इज द पैराइटल बोन। दो पैराइटल बोन दिख रही है आपको, इफ आई टर्न इट
ऑन द साइड ये ग्रीन कलर की बोन जिसमें आप ईयर की ओपनिंग भी है. व्हाट बोन वाज दैट? टेम्पल से याद रहेगा, टेम्पोरल बोन. ईयर की ओपनिंग भी इसी के अंदर होती है. आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि विच बोन इज हैविंग द ओपनिंग फॉर द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज टेम्पोरल बोन. और दो बोन्स जो आपको दिखाने के लिए बेटर है कि मैं आपको यहां से दिखाऊं, वन इज द स्फीनॉइड बोन, द ब्लू वन, दैट इज द स्फीनॉइड बोन, ये वाला. और एक बोन अगर मैं टर्न करूं यहां से अंदर के साइड से, दिस बोन हियर गाइस, दैट इज द इथमॉइड बोन, दैट इज द इथमॉइड बोन, जो नेजल कैविटी का पार्ट बना रहा है. और अगर हम देखें तो ये ऑर्बिट का भी पोर्शन बना रहा है. दिस बोन इज कॉल्ड एज अ इथमॉइड बोन. आई होप दिस इज क्लियर. एटलीस्ट यू कैन मेक आउट द बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्रेनियम. ये सिर्फ क्रेनियम की बात है, अभी और भी बोन्स है फेस पे, मैं आपसे डिस्कस करेंगे. क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते. तो ये तो हुआ हमारा ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फीनॉइड, इथमॉइड और पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन जो हमने देखी. तो ये कौन सी बोन होगी गाइस हमने डिस्कस करी यहाँ पर? हमने क्रेनियम की बोन डिस्कस कर ली. अब आते हैं फेशियल बोन्स के ऊपर, जो कि 14 है. और फेशियल बोन्स में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ कुछ फेशियल बोन्स ऐसे हैं जो काफी अंदर है और उनको देखने के लिए हमें थोड़ा सा स्कल के अंदर जाना पड़ता है. तो फेशियल बोन विच आर 14 इन नंबर. अब ये 14 बोन्स कैसे गए देखते हो. 14 बोन्स जो फेस में प्रेजेंट है, इसमें सबसे पहले चीक बोन, यहां से शुरू करते हैं. फ्रंटल बोन हो चुकी है. फ्रंटल बोन हालांकि फेस का पार्ट भी बना रहा है, बट फ्रंटल बोन को आप मेनली कैल्वेरिया यानी क्रेनियम की बोन में आप काउंट करते हो, फेस की बोन में आप उसको नहीं काउंट करोगे. तो फेस की बोन आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे. चीक बोन, चीक बोन इज व्हाट? जाइगोमैटिक बोन. जाइगोमैटिक बोन इसको हम चीक बोन ही बोलते हैं. चीक बोन, ब्यूटी बोन फॉर फीमेल्स, एक क्लेविकल और एक चीक बोन. सब जितनी प्रोमिनेंट चीक बोन होगी, जितनी प्रोमिनेंट क्लेविकल होगी, इट्स लाइक लुक्स मोर ब्यूटीफुल ऑन वुमेन, सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन. जाइगोमैटिक के बाद देन वी हैव बोन कॉल्ड एज अ मैक्सिला. अच्छा, ये सारी बोन्स जो मैं काउंट कर रहा हूं पेयर्ड बोन. सो वी हैव टू जाइगोमैटिक बोन and we have two maxilla. Maxilla क्या होता है guys? Upper jaw. Maxilla is just the up, name for the upper jaw. आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला jaw है, इसमें ये एक bone नहीं है, ये दो bone है. यहाँ पे दो maxilla बीच में यहाँ पे fuse हो रहे हैं. हाँ, जब आप lower jaw का count करेंगे, तो आप एक ही count करेंगे. Lower jaw single bone है, ये पूरी एक bone है. Development के time में ये दोनों bones आपस में fuse हो जाती हैं, becomes a single bone only. लेकिन जो upper jaw की bones हैं, वो दो हैं और वो दो ही रहेंगी. तो आपको zygomatic चीक बोन होगी और मैक्सिला जो अपर जॉ की बोन है वो दो में काउंट करनी है आपको. ये दो बोन्स. नाउ आफ्टर मैक्सिला देन कम्स द बोन दैट इज कॉल्ड एज अ नेजल बोन. ये भी दो है, दो छोटी छोटी बोन आपको नेजल बोन यहाँ पे देखेंगे इस ऊपर वाले हिस्से में. नीचे वाले पार्ट में आप बोन नहीं गाई, दिस इज कार्टिलेज. जो बाहर आपको दिख रहा है मेनली कार्टिलेज है, लेकिन जो रूट वाला हिस्सा है नोज का, ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे दो छोटी छोटी नेजल बोन्स रखी हुई. और उन्हीं नेजल बोन के पीछे वाले हिस्से में और ऑर्बिट की तरफ अंदर की साइड में दो लैक्राइमल बोन भी हैं. I'm sure आप सबने लैक्राइमल ग्लैंड का नाम सुना, तो लैक्राइमल बोन्स भी होती है. हालांकि इसका ग्लैंड से कोई लेने देना नहीं है, पर वी हैव बोन्स कॉल्ड एज लैक्राइमल बोन. लैक्राइमल के अलावा गाइस देन वी हैव व्हाट? वी हैव अ बोन कॉल्ड एज इनफीरियर नेजल कॉन्का. ये बोन ऐसी है, अगर ये एम्स और जिपर के लेवल का क्वेश्चन है तो वो ये बोन पूछ सकते हैं. इंफीरियर नेजल कॉन्का. इंफीरियर मतलब क्या होता है? इंफीरियर मतलब नीचे, नेजल मतलब नोज, कॉन्का मतलब इसकी शेप कान जैसी हो. इंफीरियर नेजल कॉन्का, नाक के हिस्से में नीचे की साइड में कान जैसी मुड़ी हुई बोन, नाक में कान जैसी बोन, कान के शेप जैसी बोन एक्चुअली. सो वी कॉल इट इंफीरियर नेजल कॉन्का. इंफीरियर इज नीचे, नेजल इज नोज, कॉन्का मींस ईयर शेप. आई शो इट यू, मैं अभी दिखाता हूँ. आपको बोला था मैंडिबल लोअर जॉ. मैंडिबल लोअर जॉ एक का काउंट होगा. और एक बोन जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, एक सिंगल बोन जिसका नाम है वोमर. का मतलब क्या होता है? वोमर मींस जिसकी शेप कुछ कुछ नाली जैसी शेप होती है उसकी. इट्स लाइक दिस. वोमर ऐसी बोन है जो दूसरी बोन को अपने अंदर फिट कर लेता है. उसमें ऐसी वी शेप रिज होती है एंड अनदर बोन कैन फिट इनटू इट. उसको हम वोमर बोलते हैं. वी
से गोमर, बी से पैसे, याद रखिएगा बी फॉर गोमर। इस बोन की शेप कुछ कुछ ऐसी है ऊपर की साइड से ताकि इसमें दूसरी बोन फिट हो सके। पहले तो काउंट करते हैं जाइगोमेटिक। सो वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 2, दैट इज 14। 14 बोन्स आपके सामने है, फेशियल बोन्स। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई दीज फेशियल बोन्स ऑन दैट 3D पिक्चर। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। वापस आगे फिर से, हम ऑलरेडी कैलियर की बोन कर चुके हैं, वी नो फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड एंड एवरीथिंग। अब जरा आते हैं फेस के ऊपर। नाउ कैन यू सी दिस ऑरेंज कलर्ड बोन? ये जो आपको ऑरेंज कलर की बोन दिख रही है, एक बोन नहीं, वैसे दो बोन है। एक बोन इस साइड में प्रेजेंट है, एक बोन इस साइड में प्रेजेंट है। बीच में सूचर्स होते हैं, वो उनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। इसमें सूचर बहुत अच्छे से शो नहीं किया हुआ है, बट बड़ा ही क्लियर सूचर होता है। सो वी हैव टू नेजल बोन्स बेसिकली, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन। लुक एट दिस बोन हियर, दिस लाइट ब्लू कलर्ड बोन, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक चीक बोन। आपको साइड से दिखाता हूँ, देखिए ये जो चीक बोन देख रही है, जाइगोमैटिक बोन देख रही है, आपको दिख रहा है जाइगोमैटिक बोन स्फेनॉइड से भी कनेक्टेड है, जाइगोमैटिक बोन पीछे टेम्पोरल बोन से भी कनेक्टेड है। तो ये जाइगोमैटिक बोन है, दिस इज चीक बोन, और ये चीक बोन ऑर्बिट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये ऑर्बिट के अंदर भी इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखता है, कैन यू सी द कलर देयर? दिस होल थिंग इज अ जाइगोमैटिक दिस वन। इसके बाद होते हैं ये वाली अपर जॉ। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि अपर जॉ की पूरी एक बोन है, ये यहां से लेके पूरी एक ही बोन है, बट इट्स नॉट। गौर से देखो, पीछे सूचर दिख रहा है, कोई लाइन दिख रही है पीछे यहां पर? दिस लाइन इज सूचर एंड दैट इज टेलिंग दैट वी हैव टू मैक्सिला, टू अपर जॉ की बोन। दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट, सो वी हैव टू मैक्सिलरी बोन एंड दे आर जॉइंड बाय अ सूचर बीट। अगर मैं इसको टर्न कर दूं स्कल को, तो ये मैक्सिला की बोन आपको नीचे पैलेट में भी जाती दिखाई देगी। पैलेट, यू नो पैलेट इज व्हाट? तालू। जो पैलेट का पार्ट है, That also is having a contribution. Now look at the same yellow color आपको नीचे दिखाई देगा, अगर मैं इसको turn करता हूँ, look at that, you see that? तो same bone आपको यहाँ मिल रही है। तो ये जो maxilla सामने है, ये वाला upper jaw बना रहा है, ये नीचे की तरफ जाके palate में भी contribute कर रहा है, अगर आप देखें palate से। और पीछे वाले हिस्से में, यहाँ पर आपको जो दो red color की bones अलग से दिखाई दे रही है, ये है palatine bones, ये maxilla ही है। ये पैलेट बना तो रहा है, लेकिन पैलेट की जो बोन्स है, जो पैलेटाइन बोन्स को बोला है, वो ये दोनों बोन्स है। सो वी हैव अ राइट एंड लेफ्ट पैलेटाइन बोन्स, इनके बीच में सूचर प्रेजेंट है, दो बोन्स हैं। तो आपने क्या क्या देखा अब तक? यू सॉ टू नेजल बोन्स, आपने दो जाइगोमेटिक बोन देखी, आपने दो मैक्सिला देखे, और आपने दो पैलेट बोन देखी, दो पैलेटाइन बोन, राइट? अब मैंने बोला था एक स्पेशल बोन जिसका नाम है इंफीरियर नेजल कॉनका। वो नेजल कैविटी के अंदर चलते हैं फिर से। जरा पुरानी बात याद करो गाइस, व्हाट वाज दैट? जो व्हाइट वाली बोन आपको दिख रही है, कौन सी बोन थी? दैट वाज इथमॉइड। ये इथमॉइड बोन थी, ये वाला भी इथमॉइड है, ये भी इथमॉइड है, लेकिन अगर आप गौर से देखो, इन्होंने एक पर्पल कलर से अलग से एक बोन शो की है, एक अलग ही कलर दिया हुआ है इसको। लेट मी ट्राई टू शो इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखो आपको नीचे एक अलग से एक अलग कलर की बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस साइड भी है, इस साइड भी है, ऐसे मुड़ी हुई बोन है। इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर, क्योंकि नीचे है, नोज में है, तो नेजल कॉन का मतलब कान की शेप के जैसा। इन्फीरियर नेजल कॉनका, दिस बोन इज कॉल्ड एज इन्फीरियर नेजल कॉनका, और ये इथमॉइड बोन का पार्ट नहीं है। आप जब नेजल कैविटी के अंदर देखोगे तो ऐसा लगेगा ये तो इथमॉइड का ही पार्ट है। नहीं, ये इथमॉइड का पार्ट नहीं, ये अलग बोन है, इसके अलग सूचर होते हैं, ये अलग होती है, इसका डेवलपमेंट भी अलग होता है। ओके, एंड देन आई टोल्ड यू वन बोन, दैट इज व्हाट? बूमर। बूमर बोन जो आपको ये पर्पल कलर की बोन, डार्क पर्पल में आपको बोन दिख रही है, दैट इज अ बूमर बोन। जो आपको व्हाइट वाली बोन दिख रही है ऊपर से, दैट इज इथमॉइड। ऊपर से इथमॉइड आ गई और नीचे से किसमें जाकर अटैच हो रही है? वोमर के अंदर। गाइस ये जो सिंगल बोन है सेंटर में, दैट इज अ वोमर बोन। मैं आपको वोमर बोन नीचे वाले हिस्से से शो कर सकता हूँ। देखो यहाँ से दिख गया, मैं स्कल को टर्न कर दूं ऐसे, ये वाली बोन जो है ये वोमर बोन है, दिस इज अ वोमर। ये बोन जब आप एमबीबीएस में आएंगे तो आप बहुत डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल में, बहुत डिटेल में करना होता है। अभी जो सिर्फ नाम ही मालूम हो वही काफी है। सो दैट बोन इज अ वोमर बोन। अनपेयर्ड, राइट? अनपेयर्ड बोन कौन कौन सी थी? एक तो वोमर थी, और दूसरी अनपेयर्ड बोन कौन सी थी? मैंडिबल। मैंडिबल आप सब जानते ही हो, जॉ बोन को मैंडिबल बोलते हैं, इसमें मैंडिबल नहीं शो किया हुआ, इसमें मैंडिबल नहीं शो किया। मैं आपको मैंडिबल पहले दिखाता हूँ, फिर हम एक छोटा सा क्विक रीकैप करेंगे इसका। गाइस मैंडिबल विल लुक समथिंग लाइक, दैट्स अ लोअर जॉ की बोन, दैट इज अ मैंडिबल। आप साइड में टर्न करता हूँ, ये साइड वाला हिस्सा है मैंडिबल का, नीचे वाला बेस वाला पार्ट है, is the floor of the mouth, which is the mouth ka pura floor banta hai, wo isi bone se, right? That is called the mandible or lower jaw. Okay, so aisa karte hain, without looking at the colors, ek baar in bone ka quick revision karte hain. I want to do it on the original skeleton. Ab aapke samne jo skeleton hai, wo original skeleton hai,
उसमें कलर वाला कुछ नहीं है, तो आपको अब आइडेंटिफाई करना है कौन सी बोन कहाँ पर गई। अपने नोट्स में ध्यान दीजिए और ट्राई टू कंपेयर गाइस, व्हाट इज दिस बोन, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट, आई वांट, आप अपने आप से बोलो ये बोन कौन सी है, ये कौन सी बोन है। दिस इज द फ्रंटल बोन, ये पूरी फ्रंटल बोन है। टर्न करते हैं यहाँ से स्कल को ऐसे, क्योंकि दैट सूचर, आपको ये पीछे सूचर दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सी बोन है पीछे वाली, दिस इज व्हाट ऑक्सीपिटल बोन, पीछे वाली थी दैट इज ऑक्सीपिटल। इसको हम टर्न करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर वाली कौन सी बोन थी, परी से याद रहेगा पेराइटल, ये दोनों पेराइटल बोन है। टर्न करते हैं इसको साइड में लेके आते हैं, लुक एट दिस सूचर जो इसको अलग कर रहा है, ये जो बोन आपको यहाँ पे साइड में दे दिया है, दिस बोन इज व्हाट दैट इज अ टेंपोरल बोन, दिस होल थिंग इज टेंपोरल बोन। ये देखो जितना मैं एरो दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा टेंपोरल बोन है, ये सब कुछ टेम्पोरल बोन है इस पूरे सूचर के अंदर। ये ओपनिंग क्या थी, इट इज ओपनिंग फॉर द ईयर, जो कौन से बोन में, टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। ये कौन सी बोन का हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, आई टोल्ड यू समबडी डज दिस सुसाइड दैट दे शूट देमसेल्फ, दे शूट एट व्हाट बोन, दैट इज अ स्फीनॉइड बोन, दिस बोन इज अ स्फीनॉइड बोन, जो कि नीचे से आपको अच्छे से देखिए इसमें नहीं देखिए। एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, लेट मी रिमूव द जॉ फ्रॉम दिस, जॉ हटा देगा, जॉ की ये जो बोन आपको नीचे दे दिया है दैट इज स्फीनॉइड। कलर नहीं है तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, बट ये पूरी स्फीनॉइड बोन नीचे जा रहा है जो आपको। ओके नाउ फेशियल बोन पे आते हैं, फेशियल बोन्स पे गाइस व्हाट बोन्स आते हैं, व्हाट बोन इज दिस, ये दो नेजल बोन्स हैं, यहां से शुरू करते हैं, दो नेजल बोन, व्हाट बोन्स आर दीस जो साइड में रखे हैं आपके चीक बोन्स, व्हाट आर दोस, जाइगोमैटिक बोन। नाम याद रखिए गाइस, बिकॉज़ आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू कि व्हिच बोन इज कॉल्ड द चीक बोन, जाइगोमैटिक बोन। तो ये जाइगोमैटिक बोन आपको दिखे, उसके नीचे आपको ये दो बोन्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट मैक्सिला, इनके बीच में सूचर्स हैं और ये दोनों बोन हमारी मैक्सिला है। इसको अगर टर्न करें नीचे की तरफ जाए तो आपको वहां पर दो पैलेट बोन दिखे, क्या नहीं सीधा है जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो दो पैलेट बोन भी आपको दिखाई दे। और नेजल कैविटी के अंदर अगर जाए तो दो बोन्स हम और नोटिस करेंगे यहाँ पर, एक तो विच वन, एक तो वोमर बोन जो नीचे वाले हिस्से में होगी, वो सूचर कलर की वजह से दिख नहीं रहा अलग से, तो नीचे वाली बोन यहाँ पर वोमर है, और जो ये अलग से नीचे एक कॉन्का जैसी बोन है दैट इज व्हाट इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो गाइस ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे ये हमारी स्कल बोन्स है। अब